दोस्तों सामने से आ रही है हिसार जयपुर पैसेंजर, जो कि अब आ रही है इलेक्ट्रिक इंजन के साथ। इस इंजन को प्रॉपरली तो पता नहीं है किस दिन से इलेक्ट्रिक इंजन मिला है। सुनने में यह आया था कि कभी ये डीजल से आ रही थी, कभी इलेक्ट्रिक से आ रही थी, पर सामने ये जो गाड़ी आ चुकी है ये इलेक्ट्रिक इंजन से आई है। एक और बात बता दूँ, जयपुर हिसार पैसेंजर चलती है एक तो यहाँ बांदीकुई अलवर होते हुए, एक चलती है जयपुर बठिंडा पैसेंजर, जो जयपुर हिसार पैसेंजर है ये रात को जयपुर आता है और शाम को ही जयपुर से जाता है। मतलब ये बांदीकुई रात को ही आते हैं दोनों, जयपुर हिसार और हिसार जयपुर। और सुबह वाले जो दोनों पैसेंजर है वो जयपुर बठिंडा वाले हैं, जो बठिंडा से आता है और जयपुर से बठिंडा जाता है। अब उसमें देखना बाकी है कि वो इलेक्ट्रिक हुआ या नहीं, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रिक हो गया ना तो उसको भी इलेक्ट्रिक हो जाना चाहिए। पर ये है जयपुर हिसार पैसेंजर इलेक्ट्रिक इंजन के साथ, गाज़ियाबाद का वेब 5 लोकोमोटिव, वो भी स्विट्ज़रलैंड से इंपोर्ट किया गया। शुरुआती जो आए थे स्विट्ज़रलैंड से इंपोर्ट होके, बाकी ये एक पहली बार देख रहा हूँ मैं इसको इलेक्ट्रिक इंजन से, तो ये मेरे लिए तो एक हिस्ट्री बनी है। जयपुर हिसार पैसेंजर इलेक्ट्रिक इंजन के साथ बांदीकुई जंक्शन पे अराइवल। इस गाड़ी की रेक शेयरिंग भी है जयपुर बठिंडा के साथ। तो बस मेरे को आपको यही बताना था कि अचानक से देखा तो ये इलेक्ट्रिक इंजन के साथ मिली मेरे को, तो मैंने वीडियो बना के आपको सबको सूचित कर दिया है। बाकी आप देखते हैं सुबह जो जयपुर बठिंडा निकलती है ना, वो उसमें कौन सा इंजन जा रहा है, डीजल या इलेक्ट्रिक। सुबह 6:30 बजे जाती है वो यहाँ से।